At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ, वंश कोल्हू, तेल से ही मिलेगा यही। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर मां डिंपल यादव के साथ चुनाव प्रचार में जुटी अदिति यादव काफी चर्चाओं में है। चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही सपा मुखिया अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव के साथ उनकी बेटी अदिति यादव भी खूब पसीना बहा रही हैं। वे लोगों से मिलकर अपनी मां डिंपल के लिए 7 मई को वोट करने की अपील कर रही हैं। दरअसल मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनावी मैदान में हैं। उन्हें सांसद बनाने के लिए समर्थक दिन रात एक किए हुए हैं। इसी क्रम में डिंपल यादव के समर्थन में ब्लॉक जागीर क्षेत्र के कुसमरा मैनपुरी मार्ग स्थित गांव जगतपुर में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। सपा नेता अमित राजपूत के आवास पर आयोजित नुक्कड़ सभा को संबोधित करने के लिए डिंपल यादव की बेटी अदिति यादव भी पहुंची। इस दौरान अदिति यादव का मौजूद महिलाओं ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। बुजुर्ग महिलाएं अदिति को आशीर्वाद देती हुई नजर आईं। अदिति यादव ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, उसे सुन लेते हैं। सौभाग्य था कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला और अपनी बात रखने का मौका मिला। समाजवादी पार्टी ने हमेशा किसानों, महिलाओं और युवाओं के हक की बात करी है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मैनपुरी के विकास के लिए, हमारे समाज में समान अधिकार के लिए, सबके समान अधिकार के लिए और समान मौके के लिए, आप आने वाली 7 तारीख को समाजवादी पार्टी को वोट दीजिएगा। हम लोग मिलकर एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो महिलाओं को सशक्त रखे और युवाओं को नौकरी दे और बच्चों की शिक्षा बेहतर से बेहतर करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।